मुझे अचानक बुलाया क्यों? यार तेरे बिना किसी का मन नहीं लग रहा था घर में। इससे बकवास मत कर। सब कुछ ठीक है ना दादाजी? ठीक है, फर्स्ट क्लास। चल बेसब्री से इंतजार हो रहा है घर पे। झूठ क्यों बोलता है? ला सिगरेट पिला यार। तू सिगरेट कब से पीने लगा? तू तो घर का अच्छा बच्चा है। मैं बुरा तो मैं हूँ। अरे ला ना यार, चलाना है। मत किया। अरे राहुल की लाता पूछ लो। काकी माँ, मैं सिगरेट पीता हूँ क्या? तुझे मैं देख लूंगी। बोल रहा है। पहले तू मुझे बता। दादाजी को बता। पीछे इतना हंगामा क्यों हो रहा है? तो गुला खाने से काले मुझे बना रहे हैं। मैं मिली तुझे। जी बेटे इधर आ। जी जी आया। बड़ी माँ प्रणाम। प्रणाम बेटे। जया फोन है। किचन में आ तो जल्दी। जी प्रणाम ताऊ जी। जीते रहो बेटे, जीते रहो। अब आई गए हो तुम तो जिम्मेदारियां उठाने की तैयारी भी शुरू कर दो। हाँ वो तो करूंगा ही। देखो कहीं जाना नहीं, मैं और तेरे पापा घर पे आ रहे हैं। जी दीपक, अंकुश आ गया। सारे काम प्रकाश को सौंप। ठीक है, मजाक लगा रखा है। इसमें साफ साफ लिखा है कि लास्ट डेट कल की है और आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन हो गया है। ये कैसे सिस्टम में काम करने का? सर, सर मेरा नाम श्रुति है, मैं इस एड को देखकर नौकरी के लिए आई हूँ। आपने बताया नहीं इनको, हमें हमारा कैंडिडेट मिल गया। मगर सर इसमें तो डेट कल की दी हुई है सर। So what? सर मैं बहुत दूर से आई हूँ। I'm not concerned कहाँ से आई हो, मुझे कैंडिडेट मिल गया। मगर सर आपको कैसे पता कि वो कैंडिडेट सही है? तो मुझे सिखाओगी? 3 महीने के बाद फिर से सिलेक्शन है, ट्राई योर लक। सर दादू, काम नहीं हुआ। मैंने कहा ना काम नहीं हुआ, मैंने पहले से किसी और को रख लिया। हेलो
भाई सब लोग आ जाओ, चलो जल्दी। राहुल जी, दादू मैं भी केक नहीं काटूंगा। क्यों? अरे मुझे बर्थडे गिफ्ट चाहिए अपने बच्चों से। आप बोले दादू, आपको क्या चाहिए हम आपको लाके देंगे। मुझे चांद सी बहुएं चाहिए, एक नहीं दो दो। अब इस वक्त बहुएं कहां से आएंगी? मैं अभी मांग भी कर रहा हूं, कम से कम वादा तो कर सकते हो। ठीक है दादू, हम आपसे वादा करते हैं। हम नहीं सिर्फ तुम। दादू मैं अभी शादी नहीं कर सकता। अरे जब राहुल तैयार है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नहीं दादू, मैं आपसे झूठा वादा नहीं कर सकता। ठीक है तो मैं केक भी नहीं काटूंगा। दादू दिस इज नॉट फेयर। दादू मां, ठीक है दादू मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपके लिए चांद जैसी बन लूंगा। एक महीने के अंदर। जी लीजिए बाबा। सॉरी एवरीबॉडी, आई एम रियली सॉरी। हर साल ये इस दिन ये फूल आते हैं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। चलो चलो एवरीबॉडी, लेट्स गो आउट, कम ऑन लेट्स हैव ड्रिंक्स, कम ऑन लेट्स एंजॉय। तू कुछ बोलती क्यों नहीं वहां बात? अरे मैं क्या बोलूं, अगर बोलना था तो दादाजी के सामने बोलना चाहिए था तुम्हें। अच्छा तुम जानते हो कि मैं नहीं बोल सकता, तो मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? अंकुश क्या बात है बरखुरदार, मूड खराब है क्या? बलि का बकरा बना रखा है। क्या बलि का बकरा बना रखा है मुझे? अरे कभी ना कभी तो तुझे शादी करनी है ना, तू अभी कर ले। माँ ये क्या लॉजिक है? वैसे भी मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, अभी मेरे पास वक्त नहीं है शादी करने के लिए। प्लीज वक्त हम निकाल लेंगे। मुश्किल है यार, आप लोग मेरे दुश्मन क्यों बने हुए हो? प्लीज। तो इसका मतलब क्या हम राहुल के भी दुश्मन हैं? और राहुल को तो शादी से कोई भी एतराज नहीं है। शादी ये भी करेगा, बस थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस दिखा रहा है। क्यों अंकुश? ऐसी बात नहीं है, कैसे बताऊं तुम लोगों को, जो भी है बस एक बात सुन लो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। आप लोग खामखा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और मेरा। एक मिनट, कैसे नहीं करेगा शादी? इस घर की परंपरा है, बड़ों की बात हमेशा सुनते हैं, जो बड़े कहते हैं वही होता है। लेकिन 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 कुछ नहीं, कल लड़कियों की तस्वीरें आएंगी देख लेना, समझे?
दादा। मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया, फिर आज ये फोटो क्यों छुपा रहे हो? नहीं, मुझे लगा कि कोई और था। कितने दिन हुए इससे मिले हुए? मिलता तो मैं रोज हूं उससे, हमेशा मेरी आंखों में बसी रहती है। तुम तो ये पूछो कि कितने दिन हुए इसे देखे हुए। कितने दिन? 15 महीने, 6 दिन, 2 घंटे। 15 महीने तो बहुत लंबा अरसा होता है। करने वाले तो 15 साल तक इंतजार करते हैं। और कुछ लोग 15 दिन में भूल जाते हैं। जिस प्रिया को मैं जानता हूँ, चाहता हूँ, वो ऐसी नहीं है। अंकुश दा, मोहब्बत और गलतफहमी में थोड़ा सा ही फर्क होता है, और कभी कभी ये फर्क दिखाई नहीं देता। मुझे पता नहीं जया, मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं उसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूं, उसे बात करना चाहता हूं। और जब तक मैं ये ना कर लूं, ये घर वाले मेरी ये जो शादी करवा रहे हैं ना, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन ये लोग तो शादी। जया जया, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ अंकुश दा, पर बड़े पापा के गुस्से को तुम जानते हो ना। जया जया प्लीज, किसी तरह तुम सबको समझा दो कि मैं शादी नहीं करना चाहती। क्या कहूं मैं सबसे, क्या वजह दूं मैं सबको, क्या कहूं? यही कि अंकुश दा को किसी पड़े हुए फोटोग्राफ से प्यार हो गया है? हाँ, या ये कहूं कि वो किसी ऐसी लड़की को ढूंढ रहा है जिसने अपना पता तक नहीं दिया? हाँ, लेकिन यही तो सच्चाई है। अगर ये सच्चाई है तो फिर इस घर में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। क्यों भाई, कब तक ये फोटोज देखती रहोगी? मैं तो बस ये देख रही हूँ कि कौन किसके साथ ठीक रहेगा। अरे उससे पहले अंकुश को तो राजी करवा लो शादी के लिए। ये तस्वीरें देखेगा ना, खुद ब खुद राजी हो जाएगा। आपने देखी तस्वीरें? मुझे क्या करना है ये तस्वीरें देख के? जिनको शादी करनी है उनको दिखाओ। मुझे तो ये बताओ कि उमा शंकर जी की बेटी कौन सी है? ये नंदा। ओ, ये है। अच्छा आप देख के बताइए कौन सी लड़की अच्छी, कौन किसके लिए ठीक रहेगी। अरे तुम क्यों इस पचड़े में पड़ती हो? उन लड़कों को ये फोटोज दे दो, जिसको जिससे शादी करनी होगी कर लेगा। राहुल, राहुल, राहुल दा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों लड़कियां? राहुल दा, राहुल दा, आप मेरी बात सुनेंगे? आपको स्विमिंग की पड़ी हुई है कब से? क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों लड़कियां आप ही देखने जाएं? क्यों, मैं ऐसा क्यों करूं? क्योंकि आपको शादी करने का मन है और मुझे नहीं, इसलिए जो लड़की मुझे जबरदस्ती दिखाई जा रही है उसे आप ही देख लीजिए, जो अच्छी लगी उसे पसंद कर लेना। चुप बे, लड़कियां तो दोनों को ही देखनी पड़ेंगी। और आज दोपहर में ही जाना पड़ेगा। अरे काकी मां, आप बहुत जल्दी उठ गई। ये नालायक है ना, इसकी वजह से ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ मैं। काकी मां, आप सब भी इसको बहुत सीरियसली लेती हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, कोई मुझे सीरियसली लेता ही नहीं है, जो देखो अपनी मर्जी मुझ पे थोपते रहता है। अगर तुझे ऐसा लगता है ना तो यही सही, और इस वक्त मैं भी सबकी मर्जी थोपने आई हूँ तुझ पे। ये लड़की तुझे देखनी है और ये लड़की तुझे देखनी है। दोपहर को 2 बजे जाना है, तैयार होना। काकी मां, इतनी जल्दी? लड़कियां तुम लोगों का इंतजार करेंगी। मां मेरी बात तो सुनिए आप। चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं सुनना है मुझे। जो कुछ कहना है लड़की देख के आना, उसके बाद कहना, समझ गया? ए, ए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, लिफाफा नीचे रखिए ना प्लीज।
याद है हम लोग बचपन में फ्लैश खेला करते थे? हाँ तो मैं हमेशा ब्लाइंड खेलता था, याद है? आज भी ब्लाइंड खेले? कैसे? कैसे मतलब ये कि मुझे आपकी पसंद तो मालूम है, इसलिए मैं आपकी वाली के पास जाकर आपके लिए उसे पसंद कर लेता, और आपको मेरी पसंद मालूम है इसलिए आप मेरी वाली के पास जाके उसे रिजेक्ट कर देते। इससे क्या हो? इससे आपका काम बन जाएगा और मेरी जान बच जाएगी। राहुल बड़ा भाई छोटे भाई के लिए इतना भी नहीं करेगा। मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा, मरवाएगा मुझे तो। कुछ नहीं होगा राहुल दा, मैं ब्लाइंड में हमेशा जीतता हूँ, और ये तो वो ब्लाइंड है जिसमें मैं तो जीतूंगा ही, लेकिन आप भी नहीं हारेंगे। अब फोटोग्राफ देखते हैं। कैसी? चेहरे से तो बहुत इंटेलिजेंट लगती है, आपके लिए ठीक रहेगी। कैसी है? कैसी है? बहुत खूबसूरत।